बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेगूसराय प्रखंड के परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र कुमार शर्मा बाइक से जा रहे थे, तभी मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के सांख तरैया गांव के पास बदमाशों ने मुखिया को गोली मार दी। आनन फानन में मुखिया वीरेंद्र कुमार शर्मा को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े मुखिया की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल चौक पर शव रख कर सड़क जाम किया और हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र कुमार शर्मा दूसरी बार चुनाव जीतकर मुखिया बने थे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि मुखिया की हत्या किसने और किस वजह से की है, लेकिन सदर अस्पताल में मुखिया के समर्थकों के द्वारा चुनावी रंजिश में हत्या करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखिया अपने घर से बेगूसराय सदर ब्लॉक किसी काम से जा रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। पता चला कि जो मुखिया जी आ रहे थे सोना चिमनी के बगल में ढाला से नीचे, अपराधी गोली मार दिया है। उसके बाद हम लोग वहाँ नहीं थे, पता चला हल्ला हुआ, जानकारी मिला किसी के माध्यम से मोबाइल पर, सोना चिमनी हम लोग यहाँ आए तो देखते हैं। मुखिया की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने शव के साथ शहर के ट्रैफिक चौक के निकट NH-31 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा काटा। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मौके की जांच कर रही है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। तकरीबन 12:30 बजे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र का एक पंचायत है परना, उसके मुखिया है वीरेंद्र कुमार जी। शहर वो अपने पंचायत से शहर के ओर जा रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनको घायल किया गया, और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देखिए जो भी सस्पेक्टेड हैं, जिनकी भी जिन पे उनके घर वाले और वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी गई है, छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी के क्रम में एक की गिरफ्तारी भी हुई है, और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में और भी कई लोग जिन जो सस्पेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने घंटे तक कारण क्या सामने आ रहा है सर? देखिए घटना का अलग अलग कारण बताया जा रहा है। अभी घटना के घर वालों घटना का कारण मुख्य रूप से घटना के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। तो हमारे पास जो भी सूचना है हम लोग उसके अनुसार अभी छापेमारी कर रहे हैं। सर इनको गिरफ्तार किया, पहले भी धमकी मिली थी क्या सर? इस तरह की बात आ रही है सामने, ये बात अभी संज्ञान में आई है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको धमकी दी गई थी। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जाँच कर रही है। सर नीमाचंदपुरा थानेदार पर भी आरोप लग रहा है मृतक के परिजनों के द्वारा, हम लोग उसकी भी जाँच करवा रहे हैं क्या मामला है। नहीं अभी उसका नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे, सब अनुसंधान का पार्ट है। हम लोग अभी वो खंगाल रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या रही है विगत दिनों में और आगे क्या निकल कर आता है, जो कुछ भी आगे की गिरफ्तारी तय की जाएगी। सर कितने दिनों तक NH-31 को जाम रखा है? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जाम रहा है।